खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहिद अफरीदी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, टेलीविजन चैनल पे बहस भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं किस तरह का बददिमाग आदमी है कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, पाकिस्तान में कोरोना को लेकर के बिल्कुल वहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों को मरने छोड़ दिया है, और इस दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने इस खिलाड़ी को सामने में रखकर एक अलग तरह का डिस्कोर्स, एक तरह अलग किस्म का नैरेटिव कश्मीर को लेकर के खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन यह तो छलावा था जो पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक किया, क्योंकि इसके अंदर की कहानी जो है, जो इनसाइड स्टोरी है, वो आप सुनेंगे तो आप भी माथा पीटेंगे कि किस तरह की आर्मी है जो इस मौके पे जब लोग मर रहे हैं, और खासकर के पाकिस्तान को तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इकॉनमी जो है वो गर्त में चला गया है। कब ये कंट्री अपने आप को एक दिवालिया घोषित करने वाला है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इस मौके पे पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऐसा, जो कह सकते हैं, शर्मनाक कारनामा किया है कि हर आदमी हैरान है। पाकिस्तान में लोग थू थू कर रहे हैं कि इस आर्मी, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानियों को नाज है, वो ऐसा क्यों उसने किया है। दरअसल मसला ये है कि पूरी दुनिया में जब ये कोरोना की वजह से हर महकमा, सरकारी महकमा के लोग, प्राइवेट के लोग अपनी अपनी सैलरी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, एकता दिखा रहे हैं, लोगों के साथ, सरकार के साथ, एजेंसियों के साथ खड़े होकर के एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने 8 मई को, इस 8 मई को एक चिट्ठी डिफेंस मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भेजी। इस चिट्ठी में क्या लिखा था? इस चिट्ठी में लिखा था कि पाकिस्तान की आर्मी में जितने लोग काम करते हैं उनकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए। एक तो पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास, इकॉनमी चौपट है, डॉलर 160 रुपए पहुंच गया है रेट, हिंदुस्तान का 1 रुपया वहां के 2 रुपए 12 पैसे के बराबर है, इकॉनमी इस हालत तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर के इनके पास 10 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब खत्म हो गया है। आप कह सकते हैं कि दरिद्र हो चुका है पाकिस्तान, भिखारी बन चुका है, और पिछले 1-1.5 साल से इमरान खान कटोरा लेकर के पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं। लेकिन पिछली बार जब बजट बनाया जा रहा था उस दौरान ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते, जो एक पाकिस्तान में जो बजट होता है उसको आप समझ लीजिए कि अराउंड 20% के आसपास बजट का पूरा हिस्सा वहां की आर्मी खा जाती है, और उसमें हर साल 10-15% के आसपास उसमें इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो उस इंक्रीमेंट को लेकर के ये लोग कह रहे थे कि भाई हम लोग को नहीं चाहिए, लेकिन जब बजट जब सामने आया उसका प्रारूप, तो मालूम चला कि ये तो बाजवा साहब जो है वो झूठ बोल रहे थे। वो पब्लिक इंप्रेशन ये दे रहे थे कि बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर है पाकिस्तानी आर्मी की, लेकिन वो अंदर अंदर दबाव बना करके उन्होंने 4.5% के आसपास जो आर्मी बजट है उसको बढ़वा दिया। लेकिन उसके बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला, और अब ये खत आया है कि आर्मी के सैलरीज को जो है 20% की बढ़ोतरी की जाए, और इसके लिए पाकिस्तान के ऊपर जो दबाव आने वाला है वो 6400 करोड़ रुपए, और ये इतना बड़ा रकम है कि पाकिस्तान की सरकार की पूरी, इमरान खान की तो पूरी पीछे की रीढ़ की हड्डी हिल गई है कि ये किस तरह का दबाव आया है। और जब मीडिया में इस बात की वहां पे चर्चा होने लगी, और ये बहुत ही अनपॉपुलर डिमांड है, वो भी इस मौके पे और भी पाकिस्तान में, तो जब वहां पे थूथू होने लग गई पाकिस्तान की आर्मी की, तो इन लोगों ने बाकायदा इस कश्मीर के चीजों को उठाना शुरू किया। थूथू होने की वजह मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की, पूरी दुनिया में तो वैसे हर देश के पास आर्मी होता है उसकी सुरक्षा के लिए और उसके ये के लिए, पाकिस्तान का केस बिल्कुल अलग है।
पाकिस्तान सिर्फ एक आर्मी है जिसके पास अपनी एक टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं वहां पे सारे जो बिजनेसेस हैं, जो टॉप 50 जो इंडस्ट्री है वहां पे, वो आर्मी चलाती है वहां पे। आपको मालूम है पाकिस्तान की आर्मी वहां सैनिटरी नैपकिन से लेकर के सारे चीजों को वो खुद बना करके खुद बाजार में बेचती है। काम नाम है नहीं ऐसी आर्मी जिसके ऊपर कोई भी सरकार, दुनिया की अकेली आर्मी है कि जहां की सरकार 20% के आसपास अपने बजट का पूरा खर्च कर देती है, और आज तक इस आर्मी, इस कायर आर्मी ने एक भी जंग को जीत नहीं सकी। हर बार ये हारी है, टेरिटरी इनके हाथ से चला गया, सारा कुछ हर जब होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये हो रहा था कि जो लगातार, चाहे वो एयरबेस पे हमला हो, चाहे वो नेवी एक जहाज पे हमला हो गया, प्लस जिस तरीके से वहां पे जो वजिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशंस चल रहा है, तो काफी अनपॉपुलर डिसीजंस आर्मी वहां पे ले रही थी। और सबसे बड़ा झटका प्रधानमंत्री मोदी ने तब दिया जब 370 हटा करके पूरे कश्मीर को भारत में मिला लिया। अब पूरी पाकिस्तान की आर्मी तो कश्मीर कश्मीर के ऊपर ही जिंदा रहती है, कश्मीर का भय दिखा करके ये 20% बजट का पूरा लेकर के चली जाती है, अदरवाइज कोई उसका रीजन नहीं है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सही हो जाएं तो इतनी बड़ी आर्मी रखने की उनको जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है क्योंकि वो कश्मीर और जिहाद और इस्लाम और इस सब के नाम पे ये लोग उतना वह तमाशा करते हैं। लेकिन जब ये कश्मीर अपने आप चला गया तो आपको याद होगा कि बहुत ज्यादा प्रेशर उस समय बनता था। उस समय के मीडिया पे अगर आप डिबेट देखें तो सब लोग कहते थे कि बाजवा को ये करना चाहिए, पाकिस्तान की आर्मी को चौहाई कर देना चाहिए। लेकिन इनकी सांसें फूल गई जब हिंदुस्तान की तरफ से बिल्कुल ही कड़ा रुख अपनाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पूरी तरीके से अपनी लेजिटिमेसी, अपनी साख, अपनी इज्जत पाकिस्तानी नागरिकों की नजर में जो है उनकी खत्म हो गई, ये धाराशाही हो गई है। अब पैसे भी चाहिए, पैसे भी चाहिए तो कुछ तो तमाशा करना पड़ेगा ताकि आप उस पूरे डिबेट को डाइवर्ट कर सके। तब उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि एक तो चिट्ठी हमने दे ही दी है 20% इंक्रीमेंट के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए, और ये मसला बने ना, ये कोई आदमी उस पर सवाल नहीं खड़ा करे, तो इसलिए जो है ये लोग क्रॉस बॉर्डर तो फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी और अफरीदी को सामने ला करके खड़ा कर दिया कि भाई चलो भाई मोदी को गाली दे दो तो सारे खून माफ हो जाएंगे। तो ये पूरा ड्रामा रचा गया। लेकिन ये पाकिस्तान के एनालिस्ट, पाकिस्तान की आर्मी को ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो हर बार इस तरह के प्रेशर में क्यों पड़ रहे हैं। ये अजीत डोभाल का कमाल है, इसको बहुत सारे जगहों पे अगर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स से अगर उनके वीडियोस को देखेंगे तो एक शब्द का वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑफेंसिव डिफेंस। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी ये शुरू से रही है जो इन पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आई कि बॉर्डर के ऊपर लगातार जो टेम्परेचर है वहां का तापमान ऊपर रखो, बीच बीच में आप इस तरह के ऑपरेशंस कर दो, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एडवेंचर किया जाता है जैसे पुलवामा या उरी या उस तरह का कांड ये लोग करते, तो उसका जवाब जो है आप सर्जिकल स्ट्राइक से दो, आप बॉम्ब कर दो जाकर के अंदर घुस करके। आपको याद होगा पहले जमाने में लोग हमेशा इस बात को लिखते थे कि अगर आतंकवादी पीओके में है तो वहां पर जाकर के हमारे लोग वहां पर बॉम्ब क्यों नहीं मारते हैं, तो सब लोग यहां कहते कि नहीं शांति शांति, इससे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान की इस फार्स को इस सरकार ने पहचान लिया और इकोनॉमी की स्थिति खराब हो रही थी, तो ये हिंदुस्तान की तरफ से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई गई कि आप इतना ज्यादा बॉर्डर के ऊपर और कश्मीर को लेकर के इतना ज्यादा दबाव दो, बीच बीच में आप ये भी कहते रहो कि हम पीओके पे हमला कर देंगे, गिलगित बल्टिस्तान ले लेंगे, ताकि पाकिस्तान की आर्मी लगातार अपने आप को हिंदुस्तान से मैच करने के लिए पाकिस्तान की सरकार पे ये दबाव देती रहे कि उनका बजट कभी कम नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास तो पैसे हैं नहीं, इमरान खान जिस तरह से खीज में आकर के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करता है, उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में इमरान खान तो आए थे कि भाई हम यहाँ पे बिल्कुल 5 साल के अंदर में स्वर्ग बना देंगे, इसको वहां पे जो रियासत मदीना खड़ा कर देंगे, लेकिन भिखारी के पॉकेट में तो कुछ पैसे ही नहीं बचे हैं।
जो कुछ आता भी है कुछ बनता भी है तो वो आर्मी खा जाती है, और आर्मी के खिलाफ वहां पे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आर्मी के ये तो कठपुतली प्रधानमंत्री है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की स्ट्रेटजी एक इतना बढ़िया काम कर रही है दोधारी तलवार के हिसाब से कि आप बॉर्डर के ऊपर कश्मीर को लेकर के, गिलगित बल्टिस्तान को लेकर के, पीओके को लेकर के, और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है उसको लेकर के पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान को बिल्कुल ही आइसोलेट करने में आप कामयाब रहे, और आपने इतना दबाव बॉर्डर के ऊपर बना के रखा है कि इमरान खान के पास हिलने डुलने की जरा सा भी कोई जगह नहीं बची है कि वो आर्मी के साइज को कम कर सके या फिर उसका पैसा काट सके। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे दलदल में फंस गया है कि जहां वो जितना ज्यादा छटपटाएगा उतना ज्यादा वो डूबता चला जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।